डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक मीनिंग है, ये आपको समझने मिलेगा इस पैसेज में। द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल पर्सन्स एंड ऑर्डिनरी पर्सन्स प्रिपेयर एन अकाउंट विद द हेल्प ऑफ कैश बुक। इसको बनाया जाएगा कैश बुक की मदद से। कौन कौन बनाएगा? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, प्रोफेशनल पर्सन जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर है ये लोग, ऑर्डिनरी पर्सन भी हो सकता है कोई, विद द हेल्प ऑफ कैश बुक इन ऑर्डर टू नो द कैश बैलेंस। तो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस अकाउंट को बनाने का? इससे आपको कैश बैलेंस पता चलेगा एंड फाइनेंशियल पोजिशन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, और इससे आपकी फाइनेंशियल पोजिशन क्या है ये भी पता चलेगी। इन द डेबिट साइड ऑफ ऑल साइड ऑफ दिस अकाउंट ऑल कैश रिसिप्ट आर एंटर्ड। डेबिट साइड में पूरी कैश रिसिप्ट रहेंगी और क्रेडिट साइड में पेमेंट साइड रहेंगी। ऑल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड अंडर अप्रोप्रिएट हेड्स, सच एन अकाउंट इज कॉल्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये बेसिक मीनिंग हुआ जो कि 2 या 3 नंबर्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। इन द वर्ड्स ऑफ कार्टर, अभी डेफिनेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं स्टार्टिंग में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिंपली अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एज इन द कैश बुक एनालाइज और क्लासिफाइड अंडर सुटेबल हेडिंग्स इंक्लूडिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। एट अनदर प्लेस ही स्टेट्स द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज एन असेट अकाउंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? एक असेट अकाउंट होता है जिसको कि हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। विच शोज द क्लासिफाइड समरी ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ कैश बुक अलॉन्ग विद द कैश एंड बैंक बैलेंस। अब इसमें एक तरह से ये कैश बुक की समरी होती है, ठीक है, समरी ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ कैश बुक अलॉन्ग विद द कैश एंड बैंक बैलेंस। इसमें कैश बैलेंस भी रहेगा और बैंक बैलेंस भी रहेगा। इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में डेबिट साइड में, और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि क्रेडिट साइड में बैलेंस इन हैंड जो बोलते हैं ना हम लोग, बैलेंस शीट उसकी बात हो रही है। दस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिव्स अ समरी पिक्चर ऑफ वेरियस रिसिप्ट एंड पेमेंट्स द डिटेल्स ऑफ विच कैन बी सीन इन द कैश बुक इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जनरली इसको कब बनाया जाता है? ईयर एंड में बनाया जाता है, और एक समरी पिक्चर होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट का। तो ये एक बेसिक मीनिंग था जो कि एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेशल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें क्यों लगभग 12 पॉइंट्स है, आपको 4 या 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट्स याद करके रखने हैं एग्ज़ाम के लिए।